उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों पर बरसते फूल, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं। यूपी में सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा है कि एक ओर प्रदेश में बाहर नमाज पढ़ने वाले जेल भेजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा लेकर चलने वाले लोगों के लिए रास्तों का डायवर्जन हो रहा है और उन पर फूलों की बारिश कराई जा रही है। ओवैसी ने ये बयान देते हुए कांवड़ यात्रियों के उत्तर प्रदेश में हो रहे स्वागत पर एतराज जता दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी भी ओवैसी पर हमलावर नजर आ रही है। योगी सरकार की आलोचना करते हुए ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करें तो बवाल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। ये भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? ओवैसी ने कहा कि अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के होदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है गाजियाबाद में, आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हमसे, हम बीजेपी भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। ओवैसी के इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी समाज में जहर घोलकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ओवैसी को बीजेपी की ओर से प्रवक्ताओं का जवाब मिला है तो यूपी सरकार की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनकी आलोचना की है। केशव ने कहा है कि कांवड़ियों की सेवा करना हमारे यहाँ प्रथा रही है, इसलिए हम सेवा भी कर रहे हैं और फूल भी बरसा रहे हैं। जिनको जितनी सेवाएं देनी थी वो पहले भी दिया और आगे भी दे रहे हैं। इनके बयान से व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं आना है। इस प्रकार के जहरीले ट्वीट से न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न उसमें बदलाव आएगा, न समाज के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है। और ये MIM के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं, इससे उनको बाज जाना चाहिए। लेकिन सावन महीने में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से बरस रहे फूल कुछ लोगों के लिए कांटों का सबब बन गए हैं। राजनीति गर्मा गई है। हैदराबाद से लेकर राजधानी लखनऊ तक बयानों पर बयान एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। जनता सत्ता और विपक्ष के बीच सारी राजनीति को देख रही है, लेकिन इन बयानों का अर्थ क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।